हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी रोटी। तो ये जो आटा है, इससे मैं करंजी बनाई थी, तो उसमें से थोड़ा आटा बच गया था, तो इससे हम तंदूरी रोटी बना के बताएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें नमक भी जा चुका है। आज हम डोसा वाले तवे में तंदूरी रोटी बना के बताएंगे आपको। और ये मैदा है, कम से कम 3 घंटा पहले सान करके रख देना है। आप चाहे तो थोड़ा सोडा ले सकते हैं इसमें, इसमें सोडा नहीं गया, बिना सोडे के बना रही हूँ। तो देखिए, तंदूरी रोटी के लिए एक रोटी मैं बेल चुकी हूँ, ये दूसरा लोई बनाई हूँ। और इसमें हम हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा धनिया ले लेंगे, ले लेंगे साइड साइड से, और चूल्हा को कम ज़्यादा करके सेकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम पलट लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा घी भी ले सकते हैं, घी लेंगे तो और टेस्टी लगेगा खाने में। तो हम भी थोड़ा सा घी ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चूल्हा को कम ज़्यादा करके बना लेना है, आराम आराम से सेकना है, उसको पका लेना है। माशाल्लाह देखिए, बेहतरीन ही बनेगा, क्योंकि आटा अच्छे से फूक गया हुआ है ना, तो इसलिए तो पलट लेंगे। चूल्हा कम ही रहेगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से, तो एक भाग थोड़ा सा और हम सेकेंगे, ताकि घी जो है दोनों तरफ अच्छे से लग जाए। और आप सालन के साथ खाइए, जिस तरह अच्छा लगे उस तरह से आप खाइए। तो देखिए, दूसरा वाला रोटी भी बेल के हो चुका है, और यहाँ पर ये रोटी बन चुका है, तैयार हो चुका है। थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो देखिए, दूसरा वाला ऐड कर देंगे। अभी इस वक्त चूल्हे को थोड़ा कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम पलट लेंगे, और थोड़ा सा हम हल्का सा तेल यहाँ पर भी ले लेंगे, चूल्हा को कम ज़्यादा कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए, बहुत ही अच्छा बन गया। तो आप होटल के जैसा तंदूरी रोटी आप घर में भी बना के खा सकते हैं। और कुछ आटा मेरे पास बाकी है, तो ये 2 रोटी का आटा है, मैं एक ही बनाऊंगी, इसको अलग टाइप से बना के आपको बता देती हूँ, इसी में मतलब। तो देखिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा घी ले लेंगे। अब घी तो महंगा है, लेकिन फिर भी क्या है, जीवन है तो खाना पीना तो पड़ेगा ही। जीवन जला के नहीं जीना है, खा पी के जीना है। तो देखिए, जो 2 रोटी वाला आटा था, 2 रोटी का, तो उसको मैं देखिए इसको किस तरह से बनाती हूँ। तो थोड़ा मोटा ही रखना, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा वाला भी हम निकाल लेंगे, इस तरह से रख लेंगे। ये अब ये जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, कटर से हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम आसानी से खाना बनाना कितना आसान है, इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल ले लेंगे हल्का सा, और इसमें हम एक एक करके ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चूल्हा को फास्ट करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, क्योंकि तवा बड़ा है, तो इसमें हम 2-3-4 बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको पलट लेंगे। ये जो 2 है, इसको हम साइड कर देंगे, चूल्हा कम कर लेंगे। या मेरे पास देखिए 2 टुकड़ा और है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, और आराम आराम से हम सेक लेंगे इसको। हम पलट लेंगे थोड़ा, पलट लेंगे और आराम से सेक लेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी ले लेंगे। आपके पास बटर है तो बटर ले लीजिए, उससे और बेहतरीन बनेगा। मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं भी ला के रखती थी, ध्यान से उतर गया था कि आज मतलब बनाना है। पलट लेंगे, पलट के सेक लेंगे जरा अच्छे से, चूल्हा कम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, सभी तंदूरी रोटी बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके पीछे हम सबको भी खुश रखे। तो अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा सजाएंगे। तो कभी भी आप खाना बनाते हैं, जब भी तो इंसान को क्या है कि खुश होकर खाना बनाना चाहिए अपनी फैमिली में, ताकि मतलब
अपना फैमिली अच्छा रहे, खुश होकर खाना बनाने से फैमिली अपनी अच्छी रहती है और खाना अपने को ज़्यादा मतलब। तो देखिए हमारा स्पेशली तंदूरी रोटी बनके तैयार हो चुका है। अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहदार।